subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. थर्ड ओपिनियन में प्रिस्टर हमीद बशानी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और कश्मीर के जो मामलात हों और साउथ एशिया के जो मामलात हों उस पर प्रिस्टर हमीद बशानी एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं और उनकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है। अभी हाल ही में जबकि पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, हमें लगता है कि जो कश्मीर कार्ड खेलने वाले ग्रोह हैं वो कोविड-19 की तरफ भी कम मुतवज्जो हो रहे हैं, वो उसी अपने कश्मीर कार्ड पे हैं। कनाडा में भी NDP के MP स्कॉट डोवाल ने एक पिटीशन जारी कर दी कि कश्मीर में कुछ जुल्म हो रहा है। अब NDP के उस MP को या पूरी NDP के पार्टी को कितना इल्म है कश्मीर के बारे में। इसी तरह कश्मीर में जो आग है, मैं और बशानी साहब कई हफ़्तों से ये बात कर रहे हैं, पूरे कोविड-19 का जब से सिलसिला शुरू हम बातचीत कर रहे हैं कि मिलिटेंसी वहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हमीद बशानी साहब आज आपके सामने अपने तजिए की सूरत में पेश करेंगे। वेलकम बशानी साहब। पहले हम कनाडा से अपने घर से बातचीत शुरू करते हैं, अगरचे हमारा घर अब पूरी दुनिया है और कोविड-19 ने ये बता दिया कि अब बाउंड्रीज़ नहीं हैं, चाहे कोविड-19 हो, चाहे ये टेररिज्म के इश्यूज हों, चाहे इंसानियत के इश्यूज हों, उनकी बाउंड्रीज़ कोई नहीं है। पहले हमने तय किया था कि हम नहीं कनाडा में रहते हैं तो हमें कैनेडियन बात करनी चाहिए, तो कोविड-19 तो फिर अब कनाडा में देखते देखते आ गया। इसी तरह कश्मीर का जो कार्ड है यहाँ पर अरसा दराज से बशानी साहब खेला जा रहा है। यहाँ पे अब ये कुछ इस्लामिक ग्रोहों ने कैनेडियन पॉलिटिशियंस को प्रेस करना शुरू किया कि इसके बारे में बातचीत करें, कोविड-19 को भी शायद भूल जाएं, इसी को फोकस रखें। क्या लेते हैं आप स्टैंड से सारी सूरत हाल पर? थैंक यू जनाब ताहिर साहब। बात यह है कि ये तो जैसा कि आपने खुद ही वजाहत कर दी है कि देखें, अनफॉर्चुनेटली कोई भी जो मसला होता है जब तक आप उसकी गहराई से नहीं जानते, उसकी डेप्थ आपको नॉलेज नहीं है, पूरा आपको उसका पता नहीं कि उसका पस मंज़र क्या है, तो उससे काट के अगर आप पेश करेंगे वेस्ट में किसी भी मसले को अपने बैक होम के को, तो आपका अपना जो पर्सनल असर सूख है या लाबी है उसकी वजह से मुमकिन है वो उस पर बिलीव कर लें, लेकिन क्या उसका कोई नतीजा निकलता है? नहीं, ये सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली कनाडा में ऐसे बेशुमार ग्रुप्स हैं जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, और हमें बार आ यहाँ पे इस सिलसिले में बात की है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इवेंट हुए हैं जहाँ पे के फार राइट जो है वो इस्लामिस्ट और फार राइट जो है लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने मिलके तो कॉन्फ्रेंसेस की जुलूस निकाले हैं और एहतजाज में शिरकत की है, जो कि ऐसे ऐसे मौजूदात पे भी हुए हैं जैसे मसलन मिलिटेंसी को सपोर्ट करना या इवन टेररिज्म के हवाले तक भी ये बात एक आध दफ़ा हुई है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बात है। ज़ाहिर है कि हर स्कूल ऑफ थाट, पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थाट में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, उनकी मुख्तलिफ आराएँ होती हैं और उनकी अपनी राय रखने की उनको आज़ादी है, चूँकि ये एक आज़ाद मुल्क है। NDP की हम बड़ी एहतराम करते हैं, NDP का बड़ा रोल रहा है पॉलिटिक्स में हुसन जैक लेटन के ज़माने में, तो उस हवाले से, लेकिन उसके अंदर भी बाज़ जगहों पे आई एम सॉरी टू से कि उन्होंने मुल्ला भर्ती कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि उनका मैंडेट मुल्ला से आता है और उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो मास्क और मंदिर और गुरुद्वारे के गिर्द घूमती है जहाँ से वो वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद फिर जाहिर है वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, चूँकि वो समझते हैं कि वोट लेने का इजीएस्ट तरीका ये है कि आप जाके तो मौलाना साहब से बात कर लें, बाकी वो सारी चीज़ जो है वो संभाल लेंगे, आपको ख़ताब भी कराएंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे और आपको एक इस्लाम का जो है हमदर्द भी बना के पेश करेंगे। जिस वजह से ये जो वोट की प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियंस पूरी दुनिया में एक डिसअपॉइंटिंग रोल उनका ये बन रहा है कि व्हेन इट कम्स टू वोट तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें कि किसी के ख्वाह कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े।
अब कश्मीर के अंदर जो है हम क्या देख रहे हैं, वी आर विटनेसिंग एक ग्रेट ट्रेजेडी, और वो ह्यूमन ट्रेजेडी भी है और उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो उसको इस तरह पॉलिटिक्स, वोट पॉलिटिक्स बना के पेश करेंगे बगैर किसी सोचे समझे के, तो उसमें जाहिर है कि आप उस काज की हमायत नहीं कर रहे बल्कि आप उसको नुकसान पहुंचा रहे। अब जहाँ तक मैं इसका वेरी मैं इसका डीपली जो मैंने स्टडी करके इसको कंक्लूड किया वो ये किया कि अगर आप पूरे वेस्ट में सारे एमपीज और एमएनएस जो हैं उनको लगा लें कश्मीर में मिलिटेंसी की हमायत करने के लिए, या मिलिटेंसी के नतीजे में जो वहाँ पे खून खराबा हो रहा है उसको कंडम करने के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मसले को गलत तरीके से ले रहे हैं, आप लोगों को बता ही नहीं रहे कि मसला क्या है। अब मैं लेट मी टेल यू कि वहाँ भी सिचुएशन जो है उसको किस तरह मिस इंटरप्रेट करके यहाँ पे पेश किया जा रहा है। ये जो पिटीशन इन्होंने पेश की है इसमें उन्होंने जो अदाद व शुमार दिए हैं, पहली बात यह है कि ये गैर सदका स्टैटिस्टिक्स हैं। कश्मीर में इस पर बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि मिलिटेंसी के दौरान कितने लोग मारे गए, कितने डिसअपियर हुए या कितने लोग ज़ख्मी हुए, इसमें डेफिनेटली जैसा कि हर जगह पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन इन्होंने जो दिए इज़ वेरी मिसलीडिंग, और ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके इन्होंने पेश किए हैं, जो कि एक जेन्युइन और दुरुस्त मसले को फ्राड बना के पेश, फ्राजुलेंट अंदाज में पेश करने वाली बात है कि एक मसला हुआ कि मसलन एक मेरे नेबरहुड में एक बंदा मारा गया तो मैं उसको 10 बंदे बना के पेश करूँ ताकि लोगों की हमदर्दियाँ ले सकूँ, तो डेफिनेटली मैं उनकी हमदर्दियाँ नहीं ले रहा बल्कि अल्टीमेटली मैं अपने काज को ख़राब कर रहा हूँ। अब ये जो कुछ हुआ हमें इसको समझने की ज़रूरत है, और मैंने कई दफ़ा आपसे इस प्रोग्राम में भी बात की है कि देखें कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। वो एक अनइक्वल वार है जो मिलिटेंटों और टेररिस्टों ने खुद शुरू कर रखी है यकतरफा तौर पे अगेंस्ट दी सिक्योरिटी फोर्सेस एंड अगेंस्ट मिलिटरी एंड पैरा मिलिटरी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी नटशेल में। अब मैं इसको अनइक्वल वार क्यों कहता हूँ कि जब आप एक हथियार उठाते हैं, अनइक्वल से मराद ये है कि जब आप अपने रिसोर्सेज के हवाले से, हथियारों के हवाले से, तादाद के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, स्किल और ट्रेनिंग के हवाले से आप कम हैं, यानी आपकी तादाद जो है वो ना होने के बराबर है, तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी मिलिट्री बाकोल आपके 5 लाख या 10 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनके खिलाफ जब बंदूक उठा पे उन पर हमला करते हैं तो ये फिर दुनिया की हर डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो एक अनइक्वल वार है, जिसकी जो है वो नुकसानात या फतह और शिकस्त का फैसला जो है वो ही करेगा जो डोमिनेटिंग है, जो डोमिनेटिंग पावर रखता है। अब कश्मीर के सिनारियों में ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पे जो ताकतवर कुव्वत है वो इंडियन फौज है, वो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं है, और उसके बावजूद अगर हिजबुल मुजाहिदीन हर हफ्ते जो है वो अपने एक दो नौजवानों को जो है तैयार करके तो वो फौज से लड़ा देती है या पुलिस से लड़ा देती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक अंडरटेकिंग ली हुई है अपने लोगों को मरवाने की, जिसके नतीजे में एक तो आपका नौजवान मरता है, वो नोइंगली मरता है या वॉलंटरली मरता है, लेकिन पीछे मरवाने वाले बैठे हुए हैं ना, जो उसको जिसकी तरफ मैं आऊँगा कि कैसे, तो वो फिर उसके नतीजे में जो उसका फॉल आउट होता है, मसलन अभी जो एक वाकया हुआ वहाँ पे, तो उसके नतीजे में वहाँ पे 10-20 घर भी डैमेज हो गए, जिसकी वजह से जाहिर है कि 10-20 फैमिलियाँ जो हैं वो शेल्टरलेस हो गई कोरोना के इस दौर में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम किस तरीके से देखें, कि ये शुरू कहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ होता है, और इसका असर रिस्पॉन्सिबल कौन है। हम ये नहीं कहते कि कश्मीर में बहुत बड़ा अमन है और वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हो रही या कोई तशद्दुद नहीं हो रहा या कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं हैं या जो है वो इस तरह की कोई लोगों के दुख दर्द नहीं है, हम इस सब को तस्लीम करते हैं, लेकिन हम इसको कहते इस तरीके से हैं कि भाई ये कश्मीरियों का एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म का मसला था, जिसको कश्मीरियों की मेजॉरिटी और जो सैन पॉलिटिशंस थे, जो सैन अवाम थे, वो आज से कई बरस पहले तस्लीम कर चुके थे कि ये जो वार हम लड़ रहे हैं ये हम इस तरीके से नहीं जीत सकते, इसलिए हमें हथियार डालकर पुरअमन जदोजहद की तरफ जाना चाहिए।
जिसकी एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो यासीन मलक है, जिसने के मिलिटेंसी की पीक पे जाके तो हथियार फेंके और जो है पूरा मन जदोजहद का जो है वो अजम किया। उसकी वजह क्या थी कि उसकी वजह यही थी कि जो कैलकुलेशंस थी साइंटिफिक किस्म की कैलकुलेशन, उसमें ये लगता था कि अगर ये सिचुएशन इस तरह जारी रही तो हमारे तो लाखों नौजवान जो हैं वो मार दिए जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कहीं जाहिर है उससे फिर जो एक अलमिया जन्म लेता है कि औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए या घर टूट गए, ये सारी चीज़ें वो तो फिर इनहैबिटेबल हैं। तो जिसका मतलब ये है कि विद इन 5-6 ईयर्स हम अपनी पूरी जनरेशन को जो है वो एलिमिनेट करा देंगे खुद अपने हाथों। देयरफॉर हमें जो है वो बात करनी चाहिए हिंदुस्तान के साथ, तमाम पुरअमल चैनल्स जो हैं उनको ओपन करना चाहिए और डायलॉग का एक प्रोसेस जो है उसको करना चाहिए, जिसके लिए वहाँ की जो सबसे बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF, उसने ये रास्ता इख्तियार किया। अब हिजबुल मुजाहिदीन ने उसके बरक्स इस बात पे इंसिस्ट किया कि नहीं जी, हमने ये लड़ाई लड़नी है और इसी तरीके से लड़नी है कि हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दो अपने नौजवान जो हैं उनको कुर्बानी का बकरा बनाना है। और ये सारा मैंने कहा कि जो हो रहा है, जो तंजीमें ये कर रही हैं वो पाकिस्तान बेस्ड हैं और उनके पीछे पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई उनकी जो मरकज़ी लीडरशिप है, उनका ब्रेन और उनके वसाइल जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है और लश्कर ए तैयबा है। और इनके ये जो लोग मारे जा रहे हैं, मसलन इस महीने में जो है लास्ट मंथ की जो स्टैटिस्टिक्स थे, अप्रैल में तकरीबन 28 लोग जो है वो मारे गए। तो वो क्या है कि ये लोग कौन हैं और ये किस तरीके से हम इसको देख रहे हैं कि देखें वो लोग अपॉइंट होते हैं पाकिस्तान से बैठ के, जो उनकी लीडरशिप है उनको बाकायदा नॉमिनेट करती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि लास्ट टाइम पे जब रियाज नाइको मारा गया था, जो कमांडर इन चीफ था हिजबुल मुजाहिदीन का, तो उसके फौरन बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर जो कैपिटल सिटी है उसके मुजफ्फराबाद में इजलास हुआ हिजबुल मुजाहिदीन का, तो उन्होंने अपॉइंट किया नेक्स्ट कमांडर, जिसको उन्होंने बंदूक का इख्तियार दिया और फैसले करने का इख्तियार दिया। जिसका मतलब ये है कि भाई ये सारा जो है एक बाहर बैठ के तो कश्मीरियों को मरवाने का एक उन्होंने तरीका निकाला हुआ है, खुद वो सेफ़ हैं। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सेफ़ क्यों हैं कि खुद जो सैयद सलाहुद्दीन जो कमांडर इन चीफ है और कमांडर इन चीफ अपॉइंट करता है और जो महीने 2 महीने के अंदर मार दिए जाते हैं, उसके अपने बेटे जो हैं वो सारे वहाँ पर सरकारी मुलाजम हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की नौकरियाँ करते हैं। तो उन्होंने दूसरों के बेटे जो हैं वो कुर्बानी के बकरे बना के रखे हुए हैं। ये पूरी हिस्ट्री में जो जितने लोग मारे गए, इनमें ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जितनी लीडरशिप थी, इनके जो लीडर, इनके जो इवन सेकंड लाइन वर्कर और लो रैंकिंग वर्कर थे, उनमें से किसी का कोई आदमी नहीं मारा गया, क्योंकि ये लोग जो है वो दूसरे तरीके से अपने आप को सेफ रख के पॉलिटिक्स करते रहे। ये पहली दफ़ा इस हफ्ते हुआ कि ये जो जुनेद सहराई है कमांडर वो मारा गया। ये जो लेटेस्ट वाकया वहाँ पे हुआ, जो 2 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए, लेकिन वो मिलिट्री ने नहीं बल्कि वो फौजी ऐसे क्या कहते हैं इसको पुलिस ऑपरेशन था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में वहाँ पे 4-5 घर भी तबाह हो गए। अब इसमें देखने की बात यह है कि ये जो घर तबाह हुए, क्या हम उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ पुलिस पे लगा सकते हैं कि जब आप जो है वो अक्रॉस दी बॉर्डर बैठ के तो मिलिटेंट्स और फाइटर्स अपॉइंट करते हैं कि जाके लड़ो और वो जाके आबादियों सिविल आबादी को अपना एक ढाल बनाते हैं और ढाल बना के तो उनका शेल्टर लेके तो वो पुलिस के ऊपर गोलियां चलाते हैं। वहाँ पे 12 घंटे तक जो है वो गोलियां चलती रही पुलिस के ऊपर और पुलिस की तरफ से उनके ऊपर, जिसके नतीजे में वहाँ पे घरों को आग लगी और प्रॉपर्टी तबाह हुई। तो इस सारे सिनारियों में आप मुझे ये बताएं कि एक हम जैसे जो प्रो पीस और प्रो नॉन वायलेंस पर्सन है, उसको क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या मैं ये कहूँ कि ये मिलिटेंटों के साथ पुलिस ने ज्यादती की है? कैन आई से समथिंग लाइक दिस? कि चूँकि जब आपने हथियार उठाने का ऐलान कर दिया और आपने आपको डिक्लेयर कर दिया कि मैं कमांडर इन चीफ हूँ और मैंने
लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी से लड़ाई लड़नी है और आप जाके उन पे बंदूक तानेंगे तो आगे क्या वो आपको गोली ना मारें? क्या आप ये एनडीपी का जो एमपी है इससे पूछ सकते हैं कि आप किस किस्म का मैसेज देना चाहते हैं दुनिया में? यानी इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि मैं मजम्मत करूं, हालांकि मैं जो है उस इलाके का आदमी हूं, पूंछ से हूं और उस धरती से आजाद कश्मीर से हूं, तो मेरा तो हक बनता है, लेकिन मैं होशो आवाज में इसकी मजम्मत नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक जो है वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाला आदमी हूँ और सियासत में पुरामन सियासी जदोजहद और नॉन वायलेंट स्ट्रगल पे बिलीव करने वाला आदमी होके तो मैं किस तरह ऐसे अमल की हमायत करूं जिसमें कि एक दूसरे मुल्क में बैठे हुए कुछ टेररिस्ट, नाउन किस्म के टेररिस्ट दूसरे टेररिस्टों को हथियार देके तो कानून के ऊपर छोड़ें और उसके नतीजे वो मारे जाएं, तो मैं कहूं जी एक फिगर बन गया जी के 10,000 होके और 8 होते, दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस पिटिशन, कि जिसके पीछे एक इंतहाई शैलो बल्कि प्रेजुडिस किस्म का और एक नैरो किस्म का माइंड जो है वो कारफरमा है, जिसके जहन में ये है कि वो जनाब पता नहीं वहाँ पे कितना एक कोई इंसानी बुनियादों पे कोई तहरीक चल रही है, वो इंसानी बुनियादों पे नहीं, ये तालिबानिज्म है। और अगर ये सारा वेस्ट जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई में यकजा है और वो जिसको ज्यादती नहीं देख रहा कि वहाँ पे फौजें किस तरह उनका खून बहा रही हैं या वो फौजों का किस तरह खून बहा रहे हैं, तो कश्मीर इससे मुख्तलिफ नहीं है, ये सेम चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूं जनाब साहिब साहब कि ये जो वेस्टर्न पॉलिटिशियंस हैं या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई ओपिनियन मेकर है, वो इस तरह के किसी वाक्य में सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात करके या इंसानी हमदर्दी की बात करके तो इस पूरे मामले पे जो है वो पर्दा डालने की बात करता है, क्योंकि वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम। और उसका तरीका ये है कि हम कश्मीरियों के अंदर जो पुरअमन जदोजहद करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े हों, हम मिलिटेंसी को आउटराइटली विदाउट एनी रिजर्वेशन जो है टोटली उसको कंडेम करें और हम लोगों को ये कहें कि आप अपने जो है वो पुरअमन तरीके से अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो बुनियादी हकूक हैं, जो जमहूरी हकूक हैं, उनके लिए आप जदोजहद करें। ये वाहिद रास्ता है, क्योंकि ये इक्वल लड़ाई नहीं है, पूरा कश्मीर जो है उसकी 1 करोड़ 2 करोड़ आबादी भी अगर पूरा जो है हिंदुस्तान की फौज जाए तो वो उसको टोटल एलिमिनेट कर सकती है, क्योंकि वो तनासब इसी तरीके से बनता है, फौजियों को इसी तरीके से बिल्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और उनके हाथ में हथियार दिए जाते हैं ताकि जब उनको जरूरत पड़े तो वो उसको इस्तेमाल करें। अवाम के लिए ये बात नहीं है और ये बुनियादी तौर पर जंग जो है एक ऐसी जंग है जिसका हारना और जिसको जो है वो किसी भी तरीके से जीतने के बारे में सोचना जो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप अपने नौजवानों को क्यों मरवा रहे? बशाई साहब देखिए बात यह है कि बहुत अहम बातें आपने की, जो जो हमारे कैनेडियन पॉलिटिशियन हैं उनको तो इस सारी सूरत हाल का पता नहीं, ऑफ कोर्स उनको जो लोग ब्रीफ कर रहे हैं वो यहाँ पे इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों का मुस्लिम विक्टिमहुड का कार्ड खेलने वाले कर रहे हैं, बल्कि वो इन रियलिटीज़ में जाते ही नहीं जो आपने बतौर कश्मीरी चीज़ों को खुद देखा, खुद सहा और अब उन पर गहरी नज़र है वहाँ ना रहते हुए भी। अब आपसे कंसल्ट करने की बजाय, पॉलिटिशियंस या आप जैसे लोगों से कंसल्ट करने की बजाय, वो अपने एक तो वोट बैंक की तरफ जाते हैं, दूसरा उन्होंने एक हॉलो एंड शैलो बनाया हुआ है ह्यूमन राइट्स के पैरामीटर्स, ये सोचे समझे बगैर कि उनकी डेप्थ में जाया जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट से पूछ लें, यहाँ इंडिया का कॉन्सुलेट है, इंडिया का हाई कमिश्नर है, उनसे पूछ लें पहले पिटीशन जारी करने से पहले कि भाई ये कुछ लोग मुझे कह रहे हैं, कुछ आप अपनी स्टोरी बता दें, चलें एटलीस्ट इतना तो करें ना कि इंडियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। ये MPs ये ऐसा भी नहीं करते कि दोनों साइड की स्टोरी ले लें, वो उनसे रब्ता किए बगैर ही, अपनी रिसर्च किए बगैर ही, और वो जो इस्लामिस्ट उनको फीड कर रहे हैं उन्हीं के नंबर पे यकीन करते हुए बात को आगे लेके चल रहे हैं। चलें आपसे ना पूछें, इंडिया तो एक पार्टी है, इंडिया के कॉन्सुलेट से, हाई कमिश्नर से तो पूछ लें। तो आपको महसूस होता है कि ये कोई फेयर है बात जो मैं कर रहा हूँ? नहीं देखें, पूछने का तो आप बतौर साफी जाहिर है उसको जिस तरीके से पेश कर रहे हैं कि कोई इस तरह के आप इंटरनेशनली कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा लेग वर्क कर लेना चाहिए, रिसर्च वर्क होना चाहिए, वहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ें,
या जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी कंसल्ट करें, आवाम को भी कंसल्ट करें, या जिस तरह हमारी तरह के आज़ाद लोग हैं उनको, उनसे भी बात हो सकती है, ताकि आपको उस चीज़ की सच्चाई का तो पता चले ना, कि कम से कम फैक्चुअली वो बात क्या इस काबल है कि उस पर आप बात करें। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका प्रोसेस यही है, लेकिन आप देखें बातों रहे, एमपी जब इस तरह के किसी मसले को उठाते हैं तो उसके लिए आपकी जो है, चूंकि आप एज ए इंडिविजुअल नहीं उठाते, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं, टैक्स पेयर के पैसे पे आपको तनख्वाह मिलती है, जो हम और आप जैसे लोग देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो आप वहां बैठ के तो हमारे खिलाफ एक फितने का आगाज नहीं कर सकते। ये जो इस तरह की हरकत है, ये कैनेडियन सोसाइटी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो है सुसाइड अटैक है, ये मैं आपको बता, ये कैनेडियन सोसाइटी को तकसीम करने, डिवाइड करने की एक साजिश है, और ये इस खूबसूरत सोसाइटी के अंदर एक फितना जो है उसकी बुनियाद बनाने वाली बात है। इसलिए कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें वो एमपी साहब हैं, उसमें इंडियंस भी रहते हैं, उसमें पाकिस्तानी भी रहते हैं, उसमें कश्मीरी भी रहते हैं, उसमें ऐसे लोग भी रहते हैं जो इस तरह के किसी तनाज़े को इस सोसाइटी का हिस्सा बनते हुए नहीं देखना चाहते। तो इसके बावजूद अगर वो एमपी साहब जो हैं वो ये इशू उठाएंगे और उसके पीछे जो फैक्ट्स और फिगर्स पेश करेंगे वो टोटल फॉल्स और मिस रिप्रेजेंटेशंस और गलत किस्म के आदाद और शुमार होंगे, तो उसका नतीजा जो है वो यही निकलेगा। अब हम इसको ज़रा इस नुक्ते से देखते हैं कि देखें असल में जो कुछ वहाँ हो रहा है, जैसा कि आप खुद इसके गवाह हैं कि गुज़श्ता 20 साल से कश्मीर जो है वो हमारे लिए एक नुक्ताए मास्का, जिसको आप कहते हैं ना, एक फोकस ऑफ अटेंशन है, जिसमें मैं मसलन अपने लिखने में, बोलने में या किसी भी कम्युनिकेशन में मैं हमेशा उसको फोकस करता रहा हूँ, और उसकी वजह जाहिर है ये है कि हमारी उस धरती के साथ जुड़त है और वहाँ के अवाम के साथ हमदर्दी है। लेकिन मैं अगर यहाँ बैठ के तो उनको ये मशवरे दूँ कि आप दो नौजवानों को जो है वो 5 लाख फौज से लड़ाएं हर हफ्ते और उनकी लाशें उठा के तो उस पे सियासत करें ताकि जनाजे पे जुलूस निकले तो आप तकरीर कर सकें, तो फिर तो मैं उनका हमदर्द नहीं हूँ। चूंकि ये मुझे पता है कि ये इनसेन किस्म की एडवाइस है, जिसका मतलब ये है कि एक तो नौजवान जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा, दूसरा जो है वहाँ पे जो खौफ और दहशत की और अनरेस्ट का एक माहौल पैदा होगा, इससे वहाँ की इकानोमी, बच्चों का मुस्तकबल, उनका जो ज़िंदगी के तकाजे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मुतासर होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई जुल्म वहाँ पे हो रहा है तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये बाकायदा एक जवाज़ मिलता है कि वो आप पे ऑपरेशन करें, तो जिसका मतलब ये है कि ये आपने एक आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे इस तरीके से, कि ताकि आप एक साइकिल जो है वो चलाते रहें, वहाँ लोग इस तरह जो है वो कुर्बानियाँ देते रहें, बेचारे मासूम नौजवान जिनको खबर ही नहीं है कि हम किस काज की खातिर मर रहे हैं और उसके पीछे किन लोगों के मफादात हैं और उसकी डोरियाँ किन लोगों के हाथों में हैं, और ये दूसरी तरफ आप उसी काज को बतौर बिजनेस जो है वो इंटरनेशनली फ्लोट करें। अब आप देखें कि इंटरनेशनली इस तरह की कितनी कागजी किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पीछे दो दो चार चार बंदे बैठे हुए हैं जिनका कोई जरिया इनकम नहीं है, और अगर है भी तो उस जरिया इनकम को अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उससे आपको बड़ी हैरत होगी कि क्या है वो। तो वो जो है वो पूरी पूरी लॉबीज चला रहे हैं और एडवोकेसी ग्रुप चला रहे हैं, और वो उनको ये काम करने के लिए किसी लाश की जरूरत है ना जी, लाश होगी तो उससे फिर शोर पड़ेगा, एक तस्वीर आएगी, एक नंबर बनेगा जिसको लेके वो किसी एमपी के पास जाएंगे कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पर्सनल बेनिफिट्स और फाइनेंशियल और इस तरह के माली मामलात इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं, और जो कश्मीरियों को पूरे तरीके से जो है उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। अब जो कुछ कश्मीर में 5 अगस्त के बाद हो गया, 370-35 के बाद, उसके बाद मेरी इतला के मुताबिक तो कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। मोदी साहब और उनके रुफकाए कार जो हैं उनका वादा था कि हमने ये यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाई है कि हम इस धरती पे बसने वाले मजलूम लोगों को
मिलिटेंटों और पॉलिटिशियन के विशियस किस्म के साइकिल से निकाल कर वो जिंदगी देना चाहते हैं जो हिंदुस्तान के इलाकों के बाकी लोगों को हासिल है, जिसका मतलब ये है कि एक हिंदुस्तानी में और एक कश्मीरी में उसके राइट्स के हवाले से, उसकी मराद के हवाले से, उसकी सहूलियात के हवाले से हम कोई फर्क नहीं छोड़ेंगे। तो अगर कश्मीरियों में जरा भर भी वहां पे लीडरशिप के अंदर या ये जो लड़ने की बातें करते हैं किसी में अगर कोई जरा भर भी दानश होती तो वो मोदी साहब को इस बात पे पाबंद करते कि जनाब अब आप डिलीवर करें, क्योंकि हम अगर इंडियन शहरी हैं, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है या वो क्यों हो रहा है। उस तरफ वो बात करते नहीं और ना लोगों को उस तरफ बात करने देते हैं, और उन्होंने बंदूक उठाई हुई है ताकि हमने एक जो ये तरीका निकाला हुआ है इसके बुनियाद पे हमारे कारोबार जो है वो चलते रहें। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये चूंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें पूरी हिस्ट्री में 30 सालों में एक आदमी मारा गया, तो ये जुनेद सिराई जिसका वालद जो है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा लीडर है, अदरवाइज इन्होंने अपने सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल महफूज मकामात पे बेहतरीन किस्म की नौकरियों पे बिठाए हुए हैं, और ये लोगों के बच्चों को इस सारे प्रोसेस में जो है वो आगे ला के इस तरीके से मरवा रहे हैं, जो कि बुनियादी तौर पे जो है ना सिर्फ कश्मीरियों को उनकी अगर कोई मंजिल है भी या कोई हकूक हैं भी, कोई मुतालबात हैं भी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स की कोई बात है भी, हकीकी माशी आज़ादी की बात है भी, तो उससे उनको डी ट्रैक करके तो ये ऐसी जंग में झोंका जा रहा है जिसका नतीजा जो है वो सिर्फ नाकामी और शिकस्त है। बशाही साहब, आपने जिक्र किया कि बंदूक उठाई हुई है, एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A के बाद वो जो टेररिज्म का स्पिल ओवर था उसको पार्शियल लॉकडाउन से रोका गया, धीरे धीरे पाबंदियां उठाई गई। अब तो खैर कोविड-19 का लॉकडाउन पूरी दुनिया पर है, आप और मैं स्टूडियो में मिल नहीं सकते, ये एक अलग से सिचुएशन है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो बंदूक उठाने का काम कम हुआ है क्या ये आर्टिकल 370 और 35A के उड़ने के बाद, या बंदूक उठाने का काम बढ़ा है, और आगे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है जो हीट बनी हुई है इस वक्त ख़ास तौर पर कोविड-19 के ज़माने में इसके कॉन्टेक्स्ट में? नहीं सर, ये इसके मुख्तलिफ फेजिस से होता हुआ गुजर रहा है ये, और मैं समझता हूँ कि उसमें इजाफा हुआ है इन गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन में क्या क्यों कह रहा हूँ कि जो गिवन सिचुएशन है ये मिलिटेंसी के लिए बड़ा टफ सिचुएशन है जिसमें उनको रेडियोज़ होना चाहिए, चूँकि ओवरऑल जब मूवमेंट पे पाबंदी है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ख्वाब वो कोरोना लॉकडाउन की रीज़न हो या दूसरी पॉलिटिकल लॉकडाउन हो जैसा कि वहाँ पे हुआ था, तो उसके नतीजे में जब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जलसे जुलूस नहीं होते, मीटिंगें नहीं होती, गैदरिंग्स नहीं होती, तो ज़ाहिर है उस हिसाब से कोई भी काम जिसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत होती है वो कम हो जाता है, लेकिन वो बड़ा है। और उसके बनने की मैंने आपको मिसाल दी कि इस निस्बत तनासब से अगर आप देखें कि मुमकिन है टोटल नंबर कम हो लेकिन वो ज़ाहिर हालात मुख्तलिफ हैं, उन हालात के में अगर आप रख के देखेंगे तो ये मिलिटेंसी कहीं गुना जो है वो बड़ी है, और लोगों के मारे जाने के जो अदाद व शुमार हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मसलन इस वक्त तक जो है वो वहाँ पर जो 5 बड़े ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप, प्रो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप, उनकी जो लीडरशिप है वो तकरीबन सारी मारी जा चुकी है, जो नाउन लीडरशिप होती है यानी जो फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक है वो सारा वाइप आउट हो गया है। तो इस हिसाब से आप इंटेंसिटी देख लें कि जाहिर है कि ये लोग जो मारे जा रहे हैं उसकी वजह यही है ना कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, वो मसलन जाके हाई डोट में, अब ये चले गए इस तरह सहराई साहब जाके वहाँ पर उन्होंने हाई डोट ले ली और मोर्चा बना लिया आबादी के अंदर, इंतहाई जो है वो जहाँ पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है उसके पीछे। तो इस तरीके से जो है मैं समझता हूँ कि मिलिटेंसी बढ़ी है, और उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कश्मीर के अंदर जो अनरेस्ट है उसका भी एक बड़ा फैक्टर है, ये सारे मिलाकर तो उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैं ये समझ रहा था कि ये 5 अगस्त के बाद और ये पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड किस्म की बेबसी के ऐलान के बाद कश्मीरियों के अंदर ये सेंस ऑफ जो है एक तरह का सेल्फ कॉन्शियस होने का सेंस जो है वो डेवलप होगा
कि भाई हमारे साथ जो कुछ हो रहा है गुज़श्ता 20-30 साल से, इसके अल्टीमेट शिकार, अल्टीमेट विक्टम और अल्टीमेट जो इसके जो है नुकसान उठाने वाले लोग हैं वो हम ही हैं। इसलिए अब हम अपने रास्ते थोड़े से तब्दील करें और हम पूरा मन जदोजहद का रास्ता अपनाएं, और पूरा मन जदोजहद से मेरी मुराद हर चीज़ है उसमें, पूरा मन पॉलिटिकल स्ट्रगल से लेके मुज़ाकरात तक हर रास्ता जो है उसको एक्सप्लोर करके, तो ये जो जिस नाइटमेयर का हम शिकार हैं और हमने अपनी नस्लों को किया हुआ है, ये चौथी नस्ल है, इससे हम इनको निकालें। इसके बजाय उन्होंने अब इसका तरीका ये निकाला कि चूंकि ये इस वजह से एक अनरेस्ट है, लोग मायूस हैं, तो हमें जो है वो मिलिटेंसी को इंटेंसीफाई करना चाहिए। आपस की बात में आपको ये बता दूं कि ये जो प्रो इस्लामिस्ट मिलिटेंट इस वक्त बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और जिन सब की बागडोर जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए मिलिटेंट्स के है, इस वक्त उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश और लॉबी ये है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग कराई जाए। और इसके लिए वो आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जी हम तो वैसे ही मरे हुए हैं, रोज रोज मरते हैं, तो इस मरने के बजाय एक ही बार क्यों ना मरे। वहां पे हालत ये है कि पोल कराए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग कब हो और कितनी जरूरी है और उसके अलावा क्या चाह रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदकिस्मती से जो कश्मीरी पॉपुलेशन है वो आज भी यरगमाल है। और मैं अगेन ये कहता हूँ कि मोदी साहब ने ये जो जो स्टेप लिया था कि जी हम इन लोगों को इसकी हालत जो है यरगमाल हालत से निकालने के लिए कर रहे हैं, उसको उनको करके दिखाना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक ये मामला हल नहीं होते और अवाम को उनका प्रॉपर देखें लाइफ स्टाइल बहाल नहीं होता, जिसमें के उनके जमहूरी राइट्स हैं, उनके इंतखाबात हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट है, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्शन हासिल है, उस वक्त तक वो एक ऐसा इलाका होगा जिस पे रूल मिलिटेंट ही करेंगे। क्योंकि ऐसे मौके पे बंदूक ही आपको पता है कि आखिर एक आखिरी और आत्मी हथियार होता है जिससे लोगों को डरा के तो अपने उस पे लगाया जाता है। अब देखें इससे वो कैसे निकलेंगे, जब तक आप वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ जो है उसको रिस्टोर नहीं करेंगे, उस वक्त तक मिलिटेंट आज़ाद कश्मीर में बैठ के तो वहाँ पे सिचुएशन को जो है वो मैनिपुलेट और हैंडल करेंगे। तो बशाई साहब, हमने बात की कि किस तरह मिलिटेंट्स ने हाईजैक अभी तक किया हुआ है और किस तरह सिचुएशन आगे और जाएगी। आखिर में अगर हम सम अप करें सारी सूरत हाल को, तो आप किस तरह देखते हैं कि क्या ये सूरत हाल इस वक्त जो है उसमें जो हीट बढ़ी हुई है, क्या किसी बड़े क्लैश की तरफ लेकर जाएगी? चाइना का भी बीच में फैक्टर अब बढ़ रहा है। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे आखिरी दो एक बातों में कि चाइना का जो इस वक्त फैक्टर बढ़ रहा है, कोविड-19 के सिम में पूरी दुनिया का चाइना पर प्रेशर है, मगर चाइना उस प्रेशर के अंदर भी है और साथ साथ ये कश्मीर के मामले में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी वो अपनी इंटरफेरेंस कर रहा है। क्या ऐसा नज़र आ रहा है आपको, इंटरफेरेंस करता हुआ चाइना, और क्या सूरत हाल है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी? देखें चाइना के कॉन्टेक्स्ट में तो बात यह है कि इस वक्त जो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल प्रेशर है, आप अगर इंटरनेशनल जो सीरियस किस्म की जो राइटिंग्स हैं या डिस्कशंस हैं उनमें देखें, तो ये कोई अब मैज ब्लेम नहीं है बल्कि सीरियस चार्जेस हैं कि जितना बड़ा नुकसान हुआ है इंटरनेशनली जानी और माली, उसकी वजह जो है वो बहरहाल कहीं ना कहीं चीन की जो है वो या नेग्लिजेंस है या उन्होंने जो जानबूझ के तो मामलात को डिले किया, जिसकी वजह से ये जो पेंडामिक है और वायरस है इसका जो है इतना बड़ा तबाहकुन किस्म के असरात हुए। ये तो एक पहलू है जिसकी वजह से चीन अंडर प्रेशर है, और डेफिनेटली चीन और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी ऑलमोस्ट एक ऐसे पॉइंट पे हैं कि आप इसको बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। उनके दरमियान जो मिलिटरी जो मूवमेंट है साउथ चाइना सी में, उसमें भी थोड़ा इजाफा हुआ है। चीन के जो नेबर्स हैं जिसमें वियतनाम वगैरह या दूसरे, उनके साथ भी उनके मामलात जो हैं वो जजीरों का जो लड़ाई है उस पर बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हुई है। दूसरी तरफ इंडिया के साथ जो है वो लद्दाख के मामले पे चीन और इंडिया की फौजों के दरमियान जो है दस्त ब दस्त लड़ाई, जिसको आप एक दफ़ा तारीख में पढ़ते थे ना,
दस्त बदस्त लड़ाई है, हथियार उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, हाथों से लड़े। और बल्कि इस पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसा ही कोई तरीका निकालना चाहिए, ये जो जनूबी एशिया के लोगों को खुला छोड़ना चाहिए कि जाओ भाई बगैर हथियार के अपना गुस्सा निकालो और हमें जिंदा रहने दो। तो वो जो लड़ाई हुई है उसकी वजह से एक सीरियस लड़ाई है, चूंकि उसके साथ जो है वो लद्दाख का इलाका है और लद्दाख जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। चीन को उस पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इसको यूनियन टेरिटोरी बना दिया है, जो कि अब जाहिर है कि इंडिया का उस पर वो दूसरा एक बन जाता है मौकफ। तो उस वजह से ये एक बड़ी टेंशन है जो घुमा फिरा के बिलाखिर जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ ही जुड़ती है ना, चूंकि लद्दाख भी तो अल्टीमेटली रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, गिलगित बल्तिस्तान भी है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान ये मौका देख रहा है कि इस तरह का कोई अगर सुनहरी मौका उसके नज़दीक निकले कि जिसमें चीन और इंडिया के दरमियान कोई बॉर्डर जो टेंशन है वो इंटेंसीफाई हो, जिसके इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी एक बड़े हिस्से की ये ख्वाहिश है ऐसा हो, तो इसको बुनियाद बना के तो जनाब वो आपने किसी तरीके से रास्ता निकाला। जैसे कि 60s में जब हुआ था, जिस वक्त इंडिया चीन लड़ाई थी, तो उस वक्त आपने वो सारी तारीख में देखा होगा कि अयूब खान ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम जो है वो हमला करने वाले हैं कश्मीर पर, तो अमरीकियों ने उनको ज़बरदस्ती रोका था सख्त किस्म की धमकियां देके। तो वो एक ऐसे मौके की तलाश में जो एडवेंचर किस्म की मिलिट्री लीडरशिप हमेशा रही है और आज भी उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पूरा खिता जो है ना एक बहुत ही महदूद किस्म के इलाके और एक महदूद किस्म की आबादी की वजह से बड़े खतरनाक टर्न, ये सारा इलाका जो है उसको नुकसान हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको वहाँ के संजीदा लोग हैं उनको संजीदगी से लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आखिर में जो इस वक्त सूरत हाल है, चलिए अगर हम चीन को भी साइड पे रख दें, मिलिटेंसी की जो सूरत हाल है जो हमें नज़र आ रही है वो एक तरह से टेंशन बढ़ रही है, ये किस तरफ लेकर जाएगी? सिचुएशन तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इसकी वजह से जो है वो मतलब ये सिचुएशन एक तरह की लड़ाई पर एंड अप हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, चूंकि बाज चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में फिर हुक्मरान तबकात के कंट्रोल में भी नहीं रहती। चूंकि जब आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं जिसमें एक जुनून और गोलियां चलने का माहौल हो, सरहद पे भी आपको पता है एक बहुत ही टेंस किस्म की सिचुएशन है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, बल्कि वहाँ की सिविल पॉपुलेशन जो है उसमें भी लोग मर रहे हैं, तो यह सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा सकती है, जिसकी वजह से जो है वो लड़ाई शुरू हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अभी ये जो मिलिटेंट्स हैं, जो ये इस्लामिक मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अपने तौर पर ये सारा काम नहीं कर रहे, ये एक बड़ी प्रॉक्सी का रोल भी प्ले कर रहे हैं और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने का रोल भी प्ले कर रहे हैं जो अल्टीमेटली, जैसा कि मैंने कहा, कि इस ख्वाहिश को पूरा करे कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हो और मामला इधर या उधर हो। बहुत शुक्रिया बशानी साहब, सूरत हाल वाकई तश्वीशनाक है। और जब हम आप ख़ासतौर पर अपने कैनेडा में भी देखते हैं कि यहाँ के पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आ रही, यहाँ की जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए, अपने चंदे इकट्ठे करने के लिए इस को फ्यूल दे कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस को साथ मिला रहे हैं और किसी को बात ही समझ नहीं आ रही। बहरहाल अगले आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल डिवेल्प होती है, बशानी साहब आपकी हम ओपिनियन के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। नाज़रीन, थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहे थे। उनका तजिया हमेशा ही ख़ास तौर पर साउथ एशिया और कश्मीर के हवाले से एक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस का हामिल होता है। आज का तजिया बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.